Hello students, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve part 2 video, exercise 2.2. This video started from the question number 6. Simplify using the law of exponent. Question number 1st, kya kar raha hai aapka? Ye aapka part 2 video hai. Question number 6 ka 1 hai. 2 power minus 3 minus 2 power minus 4 4 to the power 3. इसको सॉल्व करते हैं. तो माइनस पावर है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 होल पावर 3 कर सकते हैं. माइनस 2/-4 है तो 1/2 होल पावर 4 लिख सकते हैं और होल टू दी पावर 3. अब इसको हम वैल्यू निकालें तो 1/2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1/1 का स्क्वायर 4 बार टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा. 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होल पावर 3 दोनों का कैल्शियम हो जाएगा 16. 8 2 जा 16 माइनस ये हो जाएगा 1/16 होल पावर 3. ठीक है, अभी इसको और हम बदल सकते हैं. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 को 2/4 होल टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं. यानी पावर पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा या हम ये कह सकते हैं कि 2/4 को हम ऊपर ले जाएं तो 2/4 - 4 होल टू द पावर 3 इसके बाद 2/-4 3 जा 12 ये आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2nd 3/5 होल टू द पावर 3 कर्ली ब्रैकेट के बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 होल पावर माइनस 9. इसको जब देखते हैं यहाँ पर हम जो है पावर के ऊपर पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 होल टू द पावर पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 15 होल टू द पावर -9. अब ये हो जाएगा 3/5 होल टू द पावर -9. ठीक है, 3 3 9 इंटू 15 होल टू द पावर -9. अब यहाँ पर जो है बेस तो डिफरेंस है लेकिन पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको 3/5 × 15 होल टू द पावर -9. 5 3 जा 15 यानी 3 3 जा 9 हो सकता है 9 पावर -9 और फिर इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल टू द पावर -9. ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 पावर × 2 - 9 यानी 3 पावर - 18. ये क्वेश्चन नंबर 2nd था. अब इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं -1/4 - 1/4 होल टू द पावर 8 इंटू 8/11 होल टू द पावर 6 इंटू 1/2 होल टू द पावर -8. ठीक है, तो 1/4 - 1/4 है तो इसको हम 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं. इसको हमें लग रहा है कि इसको नीचे ला कर लगाना पड़ेगा, जगह कम पड़ जाएगा. थ्री वाला क्वेश्चन जगह ज़्यादा लेगा इसलिए इसमें न्यू पेज पर लगाते हैं इसको. -1/4 होल टू द पावर 8 इंटू 8/11 होल टू द पावर 6 इंटू 1/2 होल टू द पावर -8. अब इसको लगाते हैं तो माइनस वन अपन
4 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 अपन 4, 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 336, माइनस 1 अपन 4, एक इधर भी लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 8 अपन 11, 1, 2, 3, 4, 8 अपन 11, 8 अपन 11, ठीक है। अब आते हैं 1 अपन 2 का, तो 1 अपन 2 है, पावर माइनस है इस पर है, तो हम इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 अपन, इसको यहाँ पर सही कर ले रहे हैं एक बार, इंटू 8 अपन 11 होल पावर 6 इंटू 2 पावर 8, ये माइनस 8 था तो इसको ऐसे हम चेंज कर दिया, 2 पावर 8 हो गया। अब हमको 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसको कट कर देते हैं, टू से कट जाएगा, इस टू से इस टू, इस फोर को काट, 2, 2 जा 4, फिर इस टू से यह 2 फिनिश हो गया, फिर इस टू से कुछ लंबा ज़्यादा है, 2, 2 जा 4, ये 2 फिनिश हो गया, अब इस 2 से ये 2 फिनिश हो गया, फिर 4 है, 2 1 जा 2, 2, 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ये 2 फिनिश हो गया, इस 2 से 2, 2 जा 4, इस 2 से ये 2 फिनिश हो गया। अभी आ गया 1, 2, 3, 4 बचा इसमें का, इससे ऊपर वाले करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 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 क्योंकि ये माइनस 8 डिजिट में है तो इवेन नंबर ही आएगा, और 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है 4, और नीचे 11 है 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4, यानी 1, 2, 3, 4 है और कुछ है नहीं इसमें, 2 पावर 4, और उसके बाद 8, 8 जा 16, 2, 4 यहाँ पर 2, 8 बचा हुआ है, 8, 8 जा 16, यानी 8, 8 जा 64 अपन इसमें से 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 11 पावर 6। अब इसको हम चाहें तो 2 पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 2 के पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा अपन 11, यानी हम जोड़ सकते हैं तो 2 पावर 10 अपन 11 पावर 6, ये हमारा क्वेश्चन हो गया आपका थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका 4 पावर 3 होल टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 पावर 3 होल टू द पावर 4 इंटू 8 अपॉन 15 होल टू द पावर माइनस 2। तो अब इसको जो है पावर के ऊपर पावर है तो इसको यहीं सॉल्व करते जाते हैं, 4 पावर 3 इंटू माइनस 2, 2 पावर 3 इंटू 4, ये पावर माइनस है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 15 अपॉन 8 होल टू पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 जा 6, 4 टू द पावर माइनस 6, 2 टू द पावर 4, 3 जा 12 इंटू 15 अपॉन 8 होल टू द पावर 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 होल टू द पावर माइनस 6, 2 पावर 12, 15 है तो 15 अपॉन 8 होल टू द पावर 2 रहेगा ही, 6 टू जा 12, 2 पावर माइनस 12 इंटू 2 पावर 12 इंटू 15 अपॉन 8 होल टू द पावर 2, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, बेस जो है सेम है यहाँ पर है, तो इनके पावर आपस में जुट जाएगा, तो माइनस 12 प्लस 12 इंटू 15/8 होल टू दी पावर 2। अब ये जो है माइनस 12 प्लस 12 हो जाएगा 2 पावर 0 इंटू 15/8, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 15 जा हो जाएगा 225, 8 जा 64। यहाँ तक अच्छा है, तो अब यहीं तक आप इसको लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 15/8 का होल पावर 2 यहाँ ये भी आंसर हो सकता है, या और एक्सपेंड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का था 4, अब 7 आते हैं। बाई विच नंबर शुड 3/7 होल टू द पावर 2 बी मल्टीप्लाई टू गेट 3/7 होल टू द पावर -4 इज एज अ प्रोडक्ट। तो लेट द नंबर बी x, हमने मान लिया लेट द नंबर बी x। तो अगर हम इसमें बाय विच नंबर शुड दिस नंबर बी मल्टीप्लाई, तो यानी 3/7 होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करें x से, तो कितना हो जाएगा प्रोडक्ट हमारा, 3/7 होल टू द पावर -4। तो कुछ नहीं, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/7 होल टू द पावर -4, और ये इधर आएगा तो रेसिप्रोक यानी 3/7 का ऐसे डिवीजन हो जाएगा। अब इसको जो है माइनस पावर है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7/3 होल टू द पावर 4, और ये जो है इसको ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं अब ये देखेंगे कि ये डिवीजन है और ये बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, 3/7 और ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -4, डिवीजन में पावर माइनस होता है, यानी x इक्वल टू 3/7 होल टू द पावर -6, माइनस 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 6 हो जाएगा, -4 -2 मिलकर माइनस 6। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर स्पेस है, इधर हम लोग लगा लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, बाई विच नंबर शुड 2/5 होल टू द पावर -3 बी मल्टीप्लाई टू गेट 1/2 होल पावर 4 एज अ प्रोडक्ट। सेम 7 की तरह ये भी है, तो ये मान लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स, तो बाय विच नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाई, तो मान लीजिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 2/5 होल टू द पावर -3 इक्वल टू हो जा रहा है 1/2 होल टू द पावर 4। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इधर ही रखते हैं और 1/2 होल टू द पावर 4 ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन हो जाएगा, 2/5 होल टू द पावर -3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये माइनस है तो इसको 2/5 है, -3 तो ये माइनस पावर है तो प्लस करना पड़ेगा, फाइव अपन थ्री
रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन पावर इसके यहाँ पर माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर जब आएंगे तो 1/2 होल टू द पावर 4 इंटू इसको 3/5 होल टू द पावर 3 पाई प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पर 3 कहाँ से आ गया, 2 है ना, ठीक है। अब जो है 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू 2/5 1, 2, 3 ये ख़त्म हो गया। वन टू थ्री, एक टू यहाँ पर बचा, 4 2 × 4 ये हो गया। इसके मतलब यह हो गया फाइव पावर 3 है, और यहाँ पर इसको लेके आते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया, और यहाँ पर 2, 5, 5 = 25 यानी 5, ऐसा करते हैं 2 × 5^3 यही हमारा आंसर होगा, 1/2 × 5^3 ये पावर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बाय विच नंबर सूर इतना बी डिवाइडेड टू गेट कोसेंट इतना, ठीक है। तो मान लिया संख्या जो है बाय विच नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स। अब यह क्या कह रहा है कि बाय विच नंबर सूर दिस नंबर बी डिवाइडेड, तो यानी 4/9 होल टू द पावर 4 को डिवाइड किया जा रहा है एक्स से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/4 होल टू द पावर माइनस 2। यह इस तरह से आ रहा है। तो अभी हम जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, 4/9 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा इक्वल टू 3/4 होल टू द पावर माइनस 2। अगेन इसको जो है ऐसे करते हैं, 1/x को यहाँ पर रखते हैं और इसको इस साइड में लेके जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू ये रेसिप ये माइनस साइन है, इसको ऊपर कर देंगे तो 4/3 कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 4/9 का होल पावर 4। तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 का होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाई करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 9/4 पावर 4। तो फिर 4/3 को जो है 1/x इक्वल टू 4/3 को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 इंटू 9/4 को 4 बार, 9/4 × 9/4 × 9/4 × 9/4 तो 8 × 4 = 8 × 4 = 8 × 4 = 8 खत्म हो गया, 3 × 3 = 9 इस 3 से 3 की फिनिश हो गया, यानी 1/x इक्वल टू 1, 2, 3, 9 है और 4 है 2, यानी अब इसको हम रेसिप्रोकल करें, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 4² / 9 पर क्यों, ये आपका क्वेश्चन हो साल हो गया 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बाय विच नंबर शुड बी डिवाइडेड टू गेट कोसेंट इतना, 9 की तरह ही लगेगा ये भी। तो
लेट द नंबर भी एक्स हमने मान लिया है, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स बाय विच नंबर शुड बी डिवाइडेड, यानी अब यह जो है माइनस सेवन अपॉन अलेवन फोर टू द पावर माइनस फोर को एक्स से डिवाइड किया जा रहा है, तो आंसर आ रहा है 21/22 होल टू द पावर माइनस फोर। ठीक है, तो वो सबसे पहले तो ये किया जाए, ये माइनस है तो उसको प्लस में करते हैं तो 11/7 हो जाएगा होल टू पावर फोर, ये मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा इक्वल टू, इसको भी चेंज कर देते हैं 22/21 करेंगे तो यह हो जाएगा साइन पॉजिटिव, तो 1/x को इधर रखते हैं, 22/21 होल टू द पावर फोर यह इस साइड में आएगा तो हो जाएगा डिवीज़न 11/7 होल टू द पावर माइनस सेवन है ना होल टू द पावर फोर, तो 1/x इक्वल टू हो गया 22 को भी फोर बार 22/21 अब ये जो है 11 को 11/-7 11 से 2 बार में ठीक है, 7 3 जा चूँकि -4 टाइम है तो इवन ही होगा, तो अब देखते हैं 1/x इक्वल टू कितने 2 बचा 1 2 3 4 है, 2 पावर 4 और 11 में कुछ नहीं है, ठीक है नीचे आते हैं तो 3 है 3 पावर 4, तो अब यह हम देख रहे हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2/3 होल टू द पावर 4, अब x इक्वल टू हो जाएगा तो 3/2 होल टू द पावर 4, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, लेट द नंबर बी एक्स और मैंने इसको सॉल्व करा आंसर आ गया 3/2 होल टू द पावर 4, तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप इसको एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।